हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज नया क्या है, आज हम दो डेटा को मैच कराना सीखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर एक में नेम लिखा हुआ है, दूसरे में कोई हेडिंग दी नहीं गई है और तीसरे में हमें इसे मैच करवाना है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको लगता है कि मैच यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम मैच यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है एग्जैक्ट का, तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट लगाएंगे और एग्जैक्ट लगाने के बाद पहली वाली जो वैल्यू है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, आप जो भी आपका टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर दूसरा वाला जो सेल एड्रेस है जिसमें वो दूसरा नाम लिखा हुआ है जिसे हमें मैच करवाना है इससे, उसे सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ गया फॉल्स, ठीक है, और जैसे ही नीचे इसको ड्रैग करेंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। तो जो ट्रू आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है और जहां पर फॉल्स आ रहा है वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है। कैसे वो दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर एक अलग कलर से इसे हाईलाइट करता हूँ, लाइक ये कलर ठीक है, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रियंका और प्रियंका मिश्रा, तो इसमें केवल मिश्रा नहीं है, बाकी प्रियंका केवल नेम आपको मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सूरज कुमार तिवारी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सूरज तिवारी ही लिखा हुआ है तो ये मैच नहीं करेगा, बाकी सब मैच कर रहा है। आप देख सकते हैं बाकी सब में ट्रू लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, तो ये डिफरेंस होता है।